हमें पता था वो भैया जो है कौन से वाली कैसेट से इंग्लिश सीखते हैं जिसको देख के इंग्लिश बोलते हैं चार पांच लोग हम लोग इकट्ठे हुए माहौल बना पूरा और वो कैसेट डाली गई मिनट हो गए पिक्चर देखते हुए लेकिन पे पांच ही शब्द थे इंग्लिश के ओ यस ओ यस ओ माई गॉड ओ माई गॉड हम लोग को ये लगा कि ये इतनी अंग्रेजी हम लोग सीख गए और उसके बाद से लगा पंद्रह मिनट देखने के बाद हमें लगा कि बाकी फ़िल्म तो हम म्यूट करके भी अंग्रेज़ी समझ जाएंगे। <laughs> फैज़ अहमद फ़ैज़ साहब ने आजकल के जो मिलेनियल्स पे बहुत पहले एक बात कह दी थी ये सब देखते उनको मुझे लगता है हर लेखक जो है शायर जो है वो बड़ा तब होता है जब उसकी बात समय के साथ और रिलेवेंट होती जाए तो उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा तो देवियों और भाइयों जो मेरी व्यथा है मेरी जो कहानी है उसमें दर्द बहुत है लेकिन प्यार बिल्कुल नहीं है <laughs> और आप मुद्दे की गंभीरता को ऐसे समझिए कि हम लोग लग लखनऊ के जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ वहाँ पे हम सब लोग हिंदी अखबार मंगाते थे है ना सब क्या हिंदी अखबार आता था इतने में कोई एक अंकल लोगों का ट्रांसफर हुआ और उनके यहाँ अंग्रेजी पेपर आता था और गलती से वो लोग अपने बेटे से जो उनका मेरे से तीन चार साल पाँच साल करीब बड़े होंगे भैया वो बेंगलोर में पढ़ रहे थे और वो आपस में वो लोग हम लोग देखते थे कि वो इंग्लिश में बातें करते हैं अब ये जब मोहल्ले वालों ने देखा तो उन पर एक बुरा असर हुआ हिंदी पेपर बंद कर दिए गए क्योंकि बाकी मोहल्ले वालों को ये लग रहा था कि ये जो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की दूरी है वो अंग्रेज़ी अखबार से ही टापी जा सकती है तो तुरंत ये हुआ और एक डिक्शनरी खरीद दी गई कि भैया अब तुम ये काम शुरू हो जाए और ये कर तो दिया गया अब अब आ, मैं आज का ही पेपर बता रहा हूं जैसे अब तो पेपर पढ़ना बहुत आसान हो गया तीन पेज तक तो कुछ होता ही नहीं ना एड वैड होते हैं उस समय तो लिखा रहता था ना खबर ढूंढनी नहीं पड़ती थी अखबार में अब हम सीधे से जब खोले तो खबर पढ़े अभी तो बहुत एफर्ट लेना पड़ता है कहाँ कुछ छूट ना जाए मतलब छूट ही जाता है बाकी सब जो छूटा हुआ है जो वो आ जाता है अखबार जब अब सीधे से जब पढ़ना शुरू कर समझ ही ना आए तो हम लोग अखबार को पलटते थे और ऐसे खोलते थे और इंग्लिश में मैं क्रिकेट का स्कोर ही पढ़ पाता था, था बस ये समझ में आ जाता था, था तेंदुलकर ने रन कितने बनाए क्या रिकॉर्ड टूट गया बस दैट्स इट और अखबार जब अंग्रेजी अखबार को जब आप देखो ना और स्पेशली जब आप उस तरीके की दुनिया से आते हो तो अखबार जो है ऐसा हो जाता है कि कोई ये सब जो कहानियाँ मेरे से पहले सब हैं समझ लीजिए उसकी कोई जो हीरोइन है वो हो जाता है जिससे आँख मिलाने में डर लगता है एक आँख मिचौली चल रही होती है और कुछ समझ ही ना आए तो फिर मेरे जैसे और भी तीन चार लोग थे तो हम लोगों ने हम लोगों को पता था मोहल्ले में एक हम लोग के और दूसरे भैया हैं वो इंग्लिश पिक्चर देखते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी अगर इंग्लिश पिक्चर देख लेंगे इंग्लिश पिक्चर देखने से अगर अंग्रेजी सीखो तो इससे ज़्यादा कूल क्या होगा तब तो हमें कूल वर्ल्ड भी नहीं पता था कि कूल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों ने सब डिसाइड किया कि हम लोगों को अब अपनी अंग्रेज़ी पे काम करना है प्यार व्यार बहुत दूर की बात थी मतलब मैं भूल ना जाए कि लव स्टोरी नहीं है इसलिए आएगा नहीं <laughs> क्योंकि आया नहीं है ना अब <laughs> वैसे भी देखो मेरा तो प्यार को लेकर एक ओपिनियन है बीच में बात आ गई कि, कि हमें प्यार से प्यार नहीं होता प्यार के ख्याल से प्यार होता है ये सब इसलिए बोलना पड़ता है ताकि लगे कुछ किताब किताब लिखिए वरना लोग मानते ही नहीं है ना कि क्या कुछ भी हुआ तो हुआ क्या कि हम लोगों ने सब तय किया हम चार पांच लोगों ने कि भाई हम लोग जो है अब अंग्रेज़ी अंग्रेजी फिल्म देख के सीखेंगे ऐसी शादियाँ वादियाँ पड़ती रहती हैं उधर घर वाले एक दिन गए हुए थे हमें पता था वो भैया जो है कौन से वाली कैसेट से इंग्लिश सीखते हैं जिसको देख के इंग्लिश बोलते हैं चार पाँच लोग हम लोग इकट्ठे हुए माहौल बना पूरा और वो कैसेट डाली गई दस बारह मिनट हो गए पिक्चर देखते हुए लेकिन वहाँ पर कुल पाँच ही शब्द थे इंग्लिश के ओ यस ओ यस माय गॉड ओ माय गॉड हम लोग को ये लगा कि ये इतनी अंग्रेजी हम लोग सीख गए और उसके बाद से लगा पंद्रह मिनट देखने के बाद हमें लगा कि बाकी फिल्म तो हम म्यूट करके भी अंग्रेजी समझ जाएंगे उस रात से हम सारे जो हम चार पांच लोग थे उनके सपने जो थे वो नीले हो गए लेकिन जो अंग्रेजी थी वो वैसे की वैसे ही रही अब रोज नाटक तो करना ही पड़ता था ना अंग्रेजी अखबार आ रहा है घर में तो ऐसे खोल के ऐसे देखते रहते थे घंटों पुरानी कहानी की हीरोइन आप इमेजिन कर लीजिए सात मिनट देर से ऑटो चल रहा है तो घर वालों को लगा कि अरे तो कुछ लग रहा है पढ़ने लगा आज इसका टेस्ट होगा एक तो ये हिंदुस्तानी जो पेरेंट्स हैं चलते फिरते टेबल बताओ स्पेलिंग बताओ पोएम सुनाओ <laughs> तो बोला गया कि भाई एक दिन खड़ा किया गया संडे का दिन था चलो भाई पढ़ो जिस भाषा में मैंने वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ा वो आप ऐसे समझिए जैसे मुंबई में सड़क है ना जैसे आप थोड़ा सा चले एक गड्ढा आ गया फिर थोड़ा सा चले एक गड्ढा आ गया फिर थोड़ी देर में लगता है कि गड्ढे के बीच में थोड़ी थोड़ी सड़क है तो जिस भी अंदाज में मैं पढ़ रहा था वो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि यह अंग्रेजी है है ना तो जैसे आप ये मान लीजिए कि अंग्रेजी जो मेरी है वो है ही नहीं और मैं सही बता रहा हूँ लोग इतने चालू हैं इस देश में ज्यादातर लोगों की अंग्रेजी ऐसे ही है ये बात अब मैं जानता हूं देखिए सौ में से जो अच्छी अंग्रेजी होती है वो होती है सौ में से दो लोगों की है ना और ये आप लोग जितने भी ऊपर नीचे बैठे हैं मुझे विश्वास है कि आप सौ में से दो वाले ही हैं आपको नहीं है तो भी आप मान लीजिए बैठे हैं आसपास देख के समझ जाइए मतलब है ना बाकी जो नब्बे परसेंट लोग हैं इस देश के उनको हवा नहीं है कि अंग्रेजी है क्या चीज़ अब आठ परसेंट जो बचा ये इस देश की असली समस्या है जिनको लगता है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन उनकी अंग्रेजी अच्छी है नहीं और वो चालू इतना होते हैं यो ब्रो कूल ब्रो चिल ब्रो मीन you know I mean, ब्रो एफ ऑफ ब्रो फिश ब्रो ये सब बोल के इन लोग काम चला ले रहे हैं है ना तो ये बड़ा दिक्कत वाली मतलब एक है चीज और हम लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं जो बेचारे कहीं पे भी नहीं अटकते ना दो में आ रहे हैं ना नब्बे में आ रहे हैं ना आठ में आ पा रहे हैं किसी तरीके से भाई डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन वाली जो दूरी है वो लग रहा है हम लोग तो कहाँ कब पहुंचेंगे अमेरिका अब ये जो कांड हुआ मेरे साथ अखबार पढ़ने वाला तो फिर ये बड़ी एक विचार विमर्श होता है ना घर में जब नंबर कम आते हैं तो ऐसा होता है कि अब क्या किया जाए ये तो बिल्कुल देश का ज्वलंत मुद्दा है तो ये बताया किसी ने कि एक जादुई किताब आई है मार्केट में रेपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स साठ दिनों में शाहरुख खान ने बोला था ना छः दिन कल होना हो में साठ दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे भाई तुरंत पैसे वैसे दिए गए कि जाओ क्यों पीछे रहे हम लोग पैसे दिए गए मैं साइकिल से अपना पहुंचा दुकान पे पर जब मैं दुकान पे ले रहा था ना किताब खरीद रहा था वो जो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर ऐसे जैसे मर्सिडीज खरीदने जाता है आदमी कैश डाउन स्वाइप करके तो वैसा कॉन्फिडेंस था मैं जब साइकिल को पे जब मैंने किताब ली कवर लिया दो रुपए का अलग से खराब ना हो जाए उसको अपने साइकिल के करियर में लगाया मैं कैरियर नहीं बोल रहा हूं। अभी शुरू नहीं किया ना <प्रियों> उसको मैंने करियर में लगाया और उसके बाद से साइकिल वो चल नहीं रही थी वो उड़ रही थी उड़न खटोला हो गई वो और हवा में मैं उड़े ही जा रहा हूं और पूरे आकाशवाणी हो रही है ओ यस ओ यस ओ माई गॉड <laughs> खैर मैं जब मोहल्ले में पहुंचा तो मैंने पूरे मोहल्ले को स्कैन किया मैंने कहा अब मेरे दुखों का अंत निकट है साठ दिन फर्राटेदार अंग्रेजी अब यहां पे अच्छा मैं सही बता रहा हूं आप मतलब झूठ मत बोलेगा कोई ऐसा है और जिसने यहां पे रेपिटेक्स गलती से खरीदी हो है कोई गलत जगह आ गया क्या तो बताया बैंड्रा में हो रहा है था बता। चलो जो भी भाई लोग देवी लोग जो भी हैं जिन्होंने भी वो रेपिटेक्स से वो गुजरे हैं जिस भी तरीके से तो उसमें क्या होता है जैसे जिन लोग नहीं जानते उनको बता दूं उसमें दिन होते हैं डेज डे वन डे टू डे थ्री होता है और उसमें डे के हिसाब से कुछ लिखा रहता है जैसे पहले दिन में उसमें लिखा था कि सुबह को गुड मॉर्निंग बोलते हैं दिन में गुड आफ्टरनून बोलते हैं शाम को गुड इवनिंग बोलते हैं और रात में जब आप जा रहे होते हैं किसी को बाय बोल रहे होते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं पहले दिन का छोटा सा चैप्टर था नीचे स्टार बना के लिखा था इसको अप्लाई करना है ठीक है अब हमने सीख लिया और अप्लाई करने के लिए तैयारी हो गई अगले दिन सुबह नाश्ते पे मैं जैसे अपनी अम्मा बोलता था तो मैंने सुबह नाश्ते पे स्टाइल में ऐसे बोला अपनी मम्मी को कि मॉम गुड मॉर्निंग मम्मी ये सुनते ही उनको आंसू आंसू बहने लगे तुरंत वो थाली ले आई वो थाली ऐसी वैसी थाली नहीं कभी खुशी कभी गम वो ऐसे ऐसे होने लगा पूरा और उन्होंने मेरे बाल को वैसे ही खराब किया जैसे फिल्म में हुआ था और उनको उन्होंने मेरे को ऐसे देखा जैसे मेरे अंदर उनको एक छोटा मोटा शशि थरूर दिख गया हो, <laughs> खैर अब हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में अब हमने क्या हुआ कि देखिए आगे चैप्टर थे कॉन्वर्सेशन होते थे कि फलाना ये बोलेगा तो धिमाका ये बोलेगा फिर आपको ये जवाब देना है फिर आपको ये करना है ठीक है सिंपल है अच्छी किताब थी ये ऐसे करना था अब हम लोग जब सेकेंड मैंने चैप्टर पढ़ लिया डे टू डे थ्री करके तो मैं शाम को क्रिकेट खेलने जाता था ठीक है अब क्रिकेट खेलने जब हम जाते थे तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने जो मेरे साथ के जो लड़के क्रिकेट खेलते थे तो मैंने उनको कहा बड़े स्टाइल में गुड इवनिंग अब उन्होंने तो रेपिटेक्स पढ़ी नहीं थी <laughs> उनको पता ही नहीं क्या बोलना है तो मैंने कहा कोई बात नहीं शायद भूल गए होंगे ये उम्मीद रखी कि अब जब बात चली है तो शायद सब पढ़ते होंगे भूल गए होंगे तो उन्होंने कुछ बोला नहीं फिर मैंने एक और एक डायलॉग स्किप हो गया बट आपने अगला डायलॉग तो बोलना ही है ना एक्शन लेना है तो मैंने कहा हे हाउ आर यू तो मेरा कैप्टन जो था मुझे अलग से ऐसे कंधे पे खींच के ले गया कह रहे खेलने का मन नहीं है क्या भाई अंग्रेज़ी क्या झाड़ रहा है अब भाई साहब लेकिन हम लोग तो दिल के पक्के थे कि अंग्रेज़ी को सही करना ही है ना तो हम याद करने लगे और उनको मैंने बताया कि देखो जब मैं ये बोलूँगा ना तो ये बोलना होता है और ये ऐसे करना होता है और मैं अपना पूरा फोकस और मुझे इतना बुरा लगे कि यार ये मेरे सामने ये साले बैटिंग करेंगे इनको तो मैं अपनी साठ दिन बाद अंग्रेज़ी से आउट कर दूंगा मैं और इस चक्कर में अच्छा मैं ये करूं बिल्कुल मैं बिल्कुल जीजान से लगा हुआ हूं तो वहाँ वो तो चढ़ाने वाला नाम तुरंत बना लिया उन्होंने अब मेरे को मेरे नाम से नहीं बुलाते थे रैपीडिक्स, रैपीडिक्स बुलाने लगे सब लोग <laughs> मैं क्या यार ये कैसे मोहल्ले में पैदा हो गया <laughs> बैंड्रा वैंड्रा में होता <laughs> मैंने तो कहा यार यहाँ पे मैं कैसे दुनिया को मुठ्ठी में कर पाऊंगा <laughs> मैंने कहा नहीं यार ऐसी फिर खैर हम जहाँ खेलते थे वहाँ पे बहुत झाड़ झंकाड़ थी घास फूस थी और कई बार क्या होता था कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं वो एक बॉल खो गई कभी कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ हम लोग के साथ वो जो भैया मैंने शुरू में बताए थे जो बाहर से आए थे तो वो भी कभी, कभी कभी क्रिकेट खेलने आते थे और मैं उनसे जैसे गुड इवनिंग बोलता था तो बड़े प्यार से अंग्रेजी आती थी उनको वो इवनिंग बोल देते थे तो हुआ क्या कि बॉल मेरे हाथ से छूटी और वैसे ही देखिए मेरी तो परफॉर्मेंस अंग्रेज़ी पे लगी हुई थी ना क्रिकेट तो मेरा चला ही गया था जहाँ जाना था तो बॉल छूट के गई पार्क बंद होने का टाइम हो रहा था तो हम लोग साथ में मिलके फिर भैया ने कहा चलो बाकी लोग जा रहे हैं मैं बॉल ढूंढवाता हूँ हम बॉल ढूंढ रहे थे वो शायद बहुत दिनों से मुझे देख रहे थे कि ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ देश बदलने की तो कि उन्होंने मुझसे पूछ पूछा ऐसे बॉल ढूंढते ढूंढते क्यों बोलना चाहते हो तुम तो अंग्रेजी तो क्या हुआ भैया ने हिंदी में पूछा था हमने तो उसको इंग्लिश में जवाब देना था और देखिए जो हिंदी बेल्ट से आते हैं लोग भले इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हों वो पहले हिंदी में सोचते हैं फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फिर वहां से बोलते हैं और इतने में बहुत कुछ कई सारे प्रोसेसिंग हो जाते हैं ना चैट जी पी ऐसा नहीं है ना तो मैं मैंने बोलना शुरू किया भैया आई वॉन्ट टू यू नो भैया भैया इसके बाद से ऐसा लगा ना जैसे यहां पे किसी ने ना रख दिया है कुछ अंग्रेजी फबल रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है मैंने मन मार के कहा भैया वो क्या है ना कि वो इंग्लिश का ना इंप्रेशन टाइट पड़ता है तो भैया ने कहा अच्छा 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 तो इंग्लिश बोलना चाहते हो अब शो ऑफ का मतलब क्या होता है मैं रेपिडेक्स में उस वाले पे भी पहुंचा नहीं था मैंने अरे भैया शो ऑफ नहीं करना है शो ऑन करना है तो भैया ने मुझे प्यार से अपने समझाया शो ऑफ का उन्होंने पहले मतलब समझाया मुझे और इतने में जब वो समझा रहे थे तो हमें बॉल मिल गई तो उन्होंने बॉल उठा के मेरे को हाथ में दी और उन्होंने कहा तो मैंने कहा नहीं ये तो आज वाली बॉल नहीं है ये तो किसी पहले दिन कभी खोई थी तो तो उन्होंने कहा कि कंधे पे हाथ रखा समझाया मुस्कुराते हुए बोले कि देखो ये जो अंग्रेजी सीख रहे हो ना सीखनी चाहिए जानना चाहिए अंग्रेजी को लेकिन जब तुम शो ऑफ के लिए कोई काम करते हो ना तो बहुत जल्दी थक जाते हैं उसमें शो ऑफ के लिए मत करो उस दिन मेरे को बॉल तो नहीं मिली जो मैं ढूंढ रहा था है ना? जो वाली खोई थी बॉल वो नहीं मिली लेकिन ये विश्वास मिला कि वो बॉल मिल जाएगी जो मैं ढूंढ रहा हूं इस बात को कई साल हो गए और अब मैं देखता हूं और मैं जानता हूं कि अंग्रेजी जरूरी है लेकिन अंग्रेजी ही जरूरी नहीं है